धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। कि तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज सुपर संडे है, इसमें होगा धमाल, कमाल, बवाल। हम स्वागत करते हैं आप सभी सब्सक्राइबर भगवान का अपने यूट्यूब चैनल में, इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज का क्लास है खास, इसमें बताया जाएगा 12 क्लास के अंतर्गत मैट्रिक्स चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज संख्या 3.1 से लिया गया है। आइए तो क्वेश्चन में हम बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 5, उसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 3x4 ऑर्डर, मतलब 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। हमें 3x4 कोटि यानी कि ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। ये 3x4 ऑर्डर का मतलब हुआ कि उसमें 3 रो रहेगा, रो 1 2 3 4, 4 रो रहेगा, सॉरी 3x4 मतलब 3 रो रहेगा, 3 रो रहेगा और 4 कॉलम रहेगा, 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम्स, 3 रो 4 कॉलम्स, ठीक है। तो हमें 3x4 कोटि का मैट्रिक्स बनाना है। देख लीजिए 3x4 देखिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो ये रहा आपका 3x4 का मैट्रिक्स। इसमें सदस्य होंगे A11, A12, A13, A14। सेकेंड रो का सदस्य होता है A21, A22, A23, A24। एंड थर्ड रो का जो सदस्य होगा वो इस तरह होगा A31, A32, A33, A34। इस 1-1 का मतलब होता है जो सदस्य फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में होता है। इस 1-2 का मतलब जो सदस्य फर्स्ट रो लेकिन सेकेंड कॉलम में होता है। 2-3 का मतलब जो सदस्य सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में होता है। बाकी का मतलब आप इसी तरह से समझ सकते हैं, ऐसे इसके ऊपर हम पीछे स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, अगर उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको पहले जाकर देखाइए, तो ज्यादा है ना, ज्यादा समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। हाँ, अब इन 12 सदस्य को ज्ञात करने के लिए हमारे पास दिया हुआ है एक एलिमेंट को डिफाइंड किया गया है Aij = 1/2 mod में -3i + j। इसी के माध्यम से हमें इन 12 सदस्य को निकालना है। तो हम चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं, पहले A11 निकालते हैं। एक समझ जाइएगा, बाकी तो समझ ही जाइएगा, पहले एक समझिए। तो A11 निकालना है और यहाँ Aij दिया हुआ है, तो आप A11 जब लिखते हैं मतलब i के स्थान पर भी 1 लिखते हैं और j के स्थान पर भी 1 लिखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इधर भी i के स्थान पर 1 डाल दीजिए और j के स्थान पर 1 डाल दीजिए, और ये 1/2 क्वेश्चन में आया है तो उसको यूं ही आपको लिखना पड़ेगा। -3 से गुना करिएगा तो -3 होगा, अब 1 प्लस में है ही। अब 1 है पॉजिटिव और 3 है निगेटिव, 1 है पॉजिटिव 3 है निगेटिव, तो 1 में से 3 माइनस होगा तो -2, और -2 कहाँ है स्टूडेंट्स, तो मॉड के भीतर, तो मॉड के भीतर है तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो आपका A11 निकल गया है। अब इसी तरह से आप चाहो तो पहले आप पूरा 1, 2, 1, 3, 1, 4 मतलब A34 तक सारा का सारा सदस्य अपने से पहले चेक करो अपने दिमाग को कि मुझसे खुद से निकलता है कि नहीं निकलता है, और वीडियो को इतना ही पर स्टॉप कर दो और बाद में फिर से इसको देख लो प्ले करा करके,
और इससे आपके ज्ञान का भी टेस्ट हो जाएगा और आप मैथ सीख भी जाओगे। पूरा का पूरा चीज नहीं देखना चाहिए, हालांकि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो उसमें पूरा सॉल्व कर ही देते हैं क्योंकि हर किस्म का स्टूडेंट्स होता है हमारे पास, लेकिन आपको सीखने का हम टेक्निक बताते हैं, उस टेक्निक से आप आइए कि सब सब मत देखिए, मैथमेटिक्स है, एक दो देखिए, उसके बाद अगर उसी तरह से सब है तो उसको अपने से करके देखिए। चलिए तो फिलहाल हम ये सदस्य को निकाल लिए हैं, इसको गोल घेर देते हैं, ये तो हम निकाल चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं ए वन टू के पास, किसके पास पहुंचते हैं स्टूडेंट्स, ए वन टू के पास पहुंचते हैं। चलिए तो ए वन टू निकालना है, इसके लिए हम आई के स्थान पर वन पुट करते हैं और जे के स्थान पर टू पुट करते हैं, इतना ही सा खेला है। आई के स्थान पर वन, जे के स्थान पर टू, माइनस थ्री में वन से गुना होगा तो माइनस थ्री और प्लस टू, टू है पॉजिटिव पॉजिटिव और तीन है निगेटिव, तो दो में से स्टूडेंट्स तीन घटेगा तो माइनस एक होगा, लेकिन कहाँ तो मॉड के भीतर, इसीलिए माइनस एक भी प्लस एक बन जाएगा मॉड के कारण, तो ये एक बटा दो हो गया। अब हम इसको भी ज्ञात कर लिए, अब हम पहुंचते हैं ए वन थ्री के पास, वन थ्री में आई के पोजीशन पर एक पुट कर देना है और जे के पोजीशन पर तीन पुट कर देना है, और यहाँ पर माइनस तीन में एक से गुना करेंगे स्टूडेंट, माइनस तीन में एक से तो माइनस तीन होगा और प्लस तीन यहाँ है ही, तीन में तीन घट गया तो जीरो, और जीरो में हाफ से गुना होगा तो जीरो, तो हमारा ए वन थ्री भी निकल गया। अब हम पहुंचते हैं ए वन फोर के पास, ए वन फोर तो आई के पोजीशन पर वन पुट कर दिए हैं और जे के पोजीशन पे चार, माइनस तीन में एक से गुना होगा तो माइनस तीन, प्लस चार है, इस बार प्लस का संख्या ज्यादा है माइनस का संख्या कम है, तो चार में से तीन घटेगा तो एक होगा, तो चलिए ये एक बटा दो हो गया। अब हम पहुंचते हैं दूसरे रो में ए टू वन के पास, ए टू वन के पास पहुंचते हैं, अब हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स ए टू वन, तो इस बार आई के पोजीशन पे टू है और जे के पोजीशन पे वन है, तो आई के पोजीशन पर देख सकते हैं टू है और जे के पोजीशन पे वन है, अब तीन दूना छह होता है और प्लस में वन है तो वन में छह घटेगा, वन में छह घटेगा तो माइनस पांच कहाँ, तो मोड के भीतर, इसलिए प्लस पांच हो गया, अब बटा में तो दो लगा हुआ है, इस तरह से निकालते जाना है। अब ए टू टू के पास आते हैं हम, ए टू टू के पास आते हैं तो हमें आई के प्लेस पे आई के स्थान पर जे पुट करना है और जे के स्थान पर भी दो पुट करना है, पुट माने रखना होता है, तीन दूना छ और प्लस दो, दो में छ घट गया माइनस चार, माइनस चार बोर्ड में है तो प्लस चार, और यहाँ भी कट गया है दो दूना चार, तो इस तरह से आपका ए टू टू का वैल्यू निकल गया। अब है ए टू थ्री, तो एक बटा दो और टू थ्री है, यहाँ पे हम टू थ्री के पास पहुंचे हैं, ए टू थ्री के पास पहुंचे हैं, तो यहाँ पर तीन दूना छ प्लस तीन, तीन में से छ घट गया तो माइनस में, तीन में से छ घट गया तो माइनस तीन, लेकिन मोड है तो प्लस तीन, तो तीन बटा दो हो गया। अब हम ए टू फोर निकालेंगे स्टूडेंट्स, ए टू फोर निकालेंगे तो आई के पोजीशन पर दो पुट करेंगे और जे के पोजीशन पर चार पुट करेंगे, तो चलिए ए टू फोर एक बटा दो माइनस थ्री, आई के पोजीशन पर टू पुट कर दिए और जे के पोजीशन पे चार, तीन गुना छ और चार में से छ घटेगा तो माइनस दो, लेकिन मोड के कारण प्लस दो, दो से दो कट गया तो एक बच गया। अब हम ए थ्री वन के पास पहुंचते, चलिए लास्ट रो में चलते हैं, ए थ्री वन निकालने के लिए क्या करेंगे, आई के स्थान पर तीन, जे के स्थान पर एक, आराम से सुनिए समझिए बस, ए थ्री वन देखिए, आई के पोजीशन पर आपका थ्री आ गया, जे के पोजीशन पर वन आ गया, तीन तिहाई नौ और एक में से नौ घट गया तो माइनस आठ, मोड में है प्लस आठ, यहाँ भी दो चौके आठ कर जाएगा तो चार आ गया। उसके बाद हमें निकालना है स्टूडेंट्स ए थ्री टू निकालना है, ए थ्री टू निकालना है तो आई के स्थान पर तीन पुट करेंगे, जे के स्थान पर दो पुट करेंगे, ये हो गया तीन तिहाई नौ और दो में से नौ घट गया तो माइनस सात होगा, लेकिन मोड के कारण प्लस सात, तो सात बटा दो हो गया। उसके बाद हम ए थ्री थ्री निकालते हैं, तो थ्री थ्री निकालने के लिए आई के पोजीशन पर भी थ्री
और जे के पोजीशन पर भी थ्री, तो माइनस में तीन गुणा तीन तो माइनस में नौ, प्लस तीन, तीन में से नौ घटेगा माइनस छ, लेकिन मोड है इसलिए प्लस छ लिखे और यहाँ काट दिए तो दू दिया छ। उसके बाद लास्ट सदस्य हमारा ए थ्री फोर, ए थ्री फोर ज्ञात करते हैं तो आई के पोजीशन पर तीन, आई के पोजीशन पर तीन और जे के पोजीशन पे चार पुट करते हैं, आई के पोजीशन पर तीन और जे के पोजीशन पर चार, ये तीन तिहाई नौ हो गया, ये चार हो गया, चार में से नौ घट गया तो माइनस में पांच, मोल के कारण हो गया प्लस में पांच बटा दो। इस तरह से हमने एक एक करके ए वन वन से लेकर के ए थ्री फोर तक बारह का बारह सदस्य ज्ञात कर लिए। अब इन बारहों सदस्य को हम लोग इसके स्थान पर बैठा देते हैं, जो जहां है वहीं पे बैठाना है। ए वन वन है तो ए वन 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 आया होगा, देख लीजिए ए वन है तो यहाँ पर वन डाल दिए। ए वन टू, ए वन टू कितना आया था एक बटा दो, तो एक बटा दो, यानी यूं कहिए कि बारहों का जो वैल्यूज आया, जो मान आया, उन मान को उसके प्रॉपर प्लेस पे जहां वो है, ए वन थ्री यहाँ है तो ए वन थ्री आपका जीरो आया है तो उसी जगह जीरो बैठा है। तो उम्मीद क्या करना है, पूरा विश्वास करते हैं कि इतना सिंपल तरीका से मैथ बताया जाता है तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। और पाँच का सेकंड मैं आप लोगों को एच डब्ल्यू देता हूँ, उसको आप पहले अपने से बनाइए, उसके बाद मेरा वीडियो देखिए अगर गलती होता है तो, और नहीं गलती होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैथ सिखाना ही हमारा टारगेट है, मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करता हूँ और आपको भी ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए। ये मेहनत में बेईमानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत में बेईमानी होगा तो फिर रिजल्ट में भी बेईमानी ही हो जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में, कहीं नहीं जाइएगा, इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स पे रहिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कर लीजिए, आपका एक एक सब्सक्राइब हमें एनर्जी देता है वीडियो बनाने के लिए। तो हमें एनर्जेटिक आप बनाए रखिए, थैंक यू सो मच।